भारत की धर्म की पताका को पूरे विश्व में फहराया था। आज के शर्मा कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश जी जैन, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं संगठन भारत विकास परिषद के, क्योंकि एक ऐसा संगठन जो स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के और भारत माता के चरणों में काम कर रहा है। इस शाखा के अध्यक्ष आदरणीय महिमा अग्रवाल जी, हमारे बहन त्रिपुरा प्रभात जी, उनका मसराम जी, अंजनय जी, ब्रजमोहन गट्टानी जी, यहाँ पर बैठे हमारे सम्मानित भारत विकास परिषद के सारे बंधु, हमारी मातृशक्ति, और यहाँ पर बैठी हमारी युवा करुणाई जो महिला महाविद्यालय की है। मैं बहुत लंबा विषय नहीं लूंगा, बहुत संक्षिप्त में बात कहूंगा, क्योंकि मेरे पूर्व में जिन वक्ताओं ने काफी विस्तार से आपको स्वामी जी के बारे में बताया। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने उन परिस्थितियों में भारतवर्ष की धर्म की पताका को दुनिया में फहराया जब भारत को सांप सपेरों का देश, जादूगरों का देश कहा जाता था। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और भारत की जो संस्कृति सभ्यता थी उसके बारे में ये कहा जाता था कि अंग्रेजी सभ्यता को मानो, क्योंकि भारत की सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है। और यहाँ के बारे में पूरी दुनिया में एक ऐसी सोच लोगों की बन गई थी कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है। ऐसी परिस्थितियों में, गुलाम परिस्थितियों में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आज्ञा प्राप्त करने के, माता शारदा जी से बात करी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं कल बताऊंगी आपको कल कैसा करना, जाना कि नहीं जाना। तो दूसरे दिन वो सिर्फ माता जी के पास में गए, तो उन्होंने, माता जी ने जो शारदा माँ थी, उन्होंने कहा वो मेरे को सब्जी काटना है तो चाकू उठा के मेरे को दे दो। तो उन्होंने चाकू उठाया और माता जी को दे दिया। बोले ठीक है, अब तुम अमेरिका जा सकते हो, इसके लिए धर्म पता करेंगे। तो इतनी छोटी सी बात में माता जी ने कैसे कह दिया कि तुमको अमेरिका जाना है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी जी ने चाकू उनको पकड़ाया था, तो सामान्य तौर पर चाकू जब आप उठाते हैं तो धार वाला हिस्सा सामने रख के किसी को देते हैं। स्वामी जी ने धार वाला हिस्सा अपने हाथ में पकड़ा और वो जो चाकू जहां से पकड़ते हैं वो माता को सुपुर्द किया। तो माता ने कहा कि तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं, सहिष्णु हैं और सबको दिशा देने वाले हैं, तो तुम्हें जरूर अमेरिका जाकर के भारत की धर्म पताका को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके सभी को मालूम है कि भाषण किस तरह से दिया, कैसे दिया, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया रही वहां के अखबारों में वो बताना चाहता हूं मैं आपको। वहां के अखबार ने लिखा कि स्वामी जी के भाषण को जैसा था उन्होंने वैसा का वैसा छाप दिया, क्योंकि 4000 लोगों ने एक साथ में उनका भाषण सुना और उस भाषण के माध्यम से उन्होंने पूरे के पूरे भाषण को लिख दिया कि मैं वहां के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने कितना आनंदित महसूस किया उनके भाषण को सुनकर के, उन्होंने कैसा महसूस किया। मैं उनको हमारे अखबार के पास उनको उनके अनुभव को बयान करने में शब्द नहीं था। ऐसी एक अखबार था न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस अखबार ने छापा कि जिस देश में ऐसे महान संत हों, ऐसे महापुरुष हों जिन्होंने धर्म को पूरे दुनिया को सिखाया, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है और आपके धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा है, ऐसा भाव व्यक्त करने वाला धर्म है, उस देश में मिशनरीज को जाके काम ही नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना, ऐसी बात लोगों के मन में थी। मैं तो आप युवाओं से सिर्फ एक ही आह्वान करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाओ तब तक रुको मत, और उसके लिए आपको सपने देखना पड़ेंगे, अपनी सोच को आत्मसात करना पड़ेगा। आपने जीवन में अगर कुछ बनने का संकल्प लिया है, भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया है, तो आपको इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए सपने देखना होंगे, अपने अंदर ऊर्जा का संचार करना होगा और जिस भी हालत में हो आपको सफलता प्राप्त करनी होगी। स्वामी जी ने दो विषय दिए थे कि आप रिस्क लेने की सोचो, जोखिम उठाने की सोचो, जोखिम उठाओगे तो जोखिम अगर उठा लिया सफल हो गए तो विजेता बनोगे, और अगर जोखिम उठा करके जीत नहीं पाए तो मार्गदर्शक बनोगे। तो आपको दोनों हाल में आपको लाभ मिलना है इस बात से कि आप जोखिम उठाओ, जीवन को जीने की कला को अपने साथ में, अपनी तरुणाई को, अपने उत्साह को अंदर अपने संचारित करो, और जो तुमने लक्ष्य लिया है माता पिता की इच्छा पूरी करने का, या आपके मन में कुछ बनने की सपना है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई समाज सेवी बनना चाहता है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो जो भी आप करना चाहते हो पूरी शिद्दत के साथ, पूरे उत्साह के साथ करो, और जिस दिन आपने सोच लिया उसके सपने देखना शुरू कर दिए तो कोई आपको ताकत आपके उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए नहीं रोक सकती। ऐसे ऊर्जा का संचार करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी सोच, उनके विचार आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करते हैं।
भारत में कितने धर्मान लोग हुए, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि भारत में बहुत से धर्म गुरु ने भारत का भारत को बदनाम करके रखा है, भारत की संस्कृति को बदनाम करके रखा है, क्योंकि अध्यात्म किसी से दिया लिया नहीं जा सकता। उन्होंने इसका मार्गदर्शन बहुत पहले दे दिया था। अध्यात्म जो होता है वो आत्मा का विषय होता है। जब आपके मन में ईश्वर के प्रति अनुराग जागृत होगा तो ही आप अध्यात्म में जा सकते हैं, कोई धर्म गुरु या बाबा के चक्कर में नहीं जा सकते। तो ये बातें उन्होंने उस समय भी कही थी जब भारत की जो संस्कृति थी उसका संचार किया, उन्होंने उस बात का प्रचार प्रसार किया। आज मैं आप सबसे यही बात की आग्रह करता हूँ, इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि स्वामी जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करके जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सुना है जो चुना है आपने उसके सपने देखना शुरू कर दीजिए, उसको पूरी करने के लिए शिद्दत से लग जाइए, ईमानदारी से लग जाइए। और आने वाला समय आपका है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पहले भी वक्ताओं ने पर्याप्त आपको स्वामी जी के बारे में बताया और आप लोग खुद पढ़े रहे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके जीवन को अपने उनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें, आप निरंतर आगे बढ़े। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं इस तरह समाज में संस्कार लाने का काम कर रही हैं उनको भी मैं साधुवाद करता हूँ, क्योंकि मैं उस शाखा से प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि इनके कार्य और आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े और आप सब लोग समाज को समरस करके आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, वंदे मातरम।